ओम श्री हरि नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। हाँ, मुझे जो सूत्रों से जो मैंने इंटरनेट पर सर्च किया और उसके हिसाब से जो मुझे इनके जो डिटेल्स मिले हैं उसके हिसाब से इनका जन्म 5 जून 1972 को दिन के 12 बजे गढ़वाल में हुआ था। हाँ जी, उसके हिसाब से मैंने ये कुंडली बनाई है। हाँ जी, आज तक जो मैंने अपनी कुंडली बनाई है उसमें मैंने ये कभी ये चीज़ें नहीं डाली हैं, इसमें जो मैंने कुछ डेट डाले हुए हैं इनका क्या महत्व है वो मैं आपको आने इस वीडियो में जब आगे जब पहुँचूंगा तो मैं बताऊँगा कि इन नंबर्स का क्या वैल्यू है इस वीडियो में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस कुंडली के बारे में। हाँ जी, अगर ये योगी आदित्यनाथ की कुंडली नहीं होती फिर भी बिना देखे भी कोई लोग ये बता सकते थे कि हाँ इस व्यक्ति का जिस भी जातक की कुंडली होगी उस व्यक्ति का जीवन काफ़ी अच्छा जाने वाला है। सबसे बड़ी बात 12वें भाव में केतु बैठना, 5वें भाव में गुरु बैठना, 6ठे भाव में राहु बैठना और शुक्र का और बुध का आपस में इंटरचेंज राशि परिवर्तन होना। हाँ, ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस कुंडली को जो एक आम इंसान कुंडली से एक खास आदमी की कुंडली बनाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ जी, अब हम इस कुंडली के बारे में विस्तार करने की कोशिश करते हैं कि इस कुंडली में आखिर है क्या क्या। हाँ जी, लग्नेश अपने से दशम भाव में गया। लग्नेश सूर्य, हाँ जैसे मैंने अपने जब मैंने ग्रहों के बारे में बात की थी मैंने उसमें मैंने बताया था कि जो सिंह लग्न की कुंडली होती है, सिंह लग्न के जो जातक होते हैं उन लोगों की जो कद काठी होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लोग छोटे होते हैं लेकिन वो अगर अपने घर साथियों, मैंने कहा कि किसी भी कुंडली देखने से पहले हमें देश काल पात्र के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि गढ़वाल के साइड का जो एरिया है वहाँ पर लोगों की हाइट ज़्यादा अच्छी नहीं होती, थोड़ी कमी हुआ होती है, लेकिन फिर भी सिंह लग्न की कुंडली है इसलिए उनकी हाइट थोड़ी छोटी है। सिंह लगने की सब खासियत क्या होती है कि वो लोग अथॉरिटी ज़्यादा होती है उनके अंदर, वो लोग कमांड देने में बड़े अच्छे होते हैं। अगर उन लोगों को एक अच्छी पावर मिले, क्योंकि सिंह राजा है, सूर्य की राशि है और राजा हमेशा राजा ही होता है। अगर उसे अथॉरिटी मिल जाए, अगर वो एक अच्छे पोजिशन पर है तो वो जहाँ भी रहता है वो हमेशा अच्छे से ही उस पोजिशन को डील करता है। अब यहाँ देखिए, लग्नेश अपने दशम भाव में गया, केंद्र त्रिकोण का एक बहुत बड़ा सहयोग बना। अब वहां बैठा किसके साथ है? बुध के साथ। लग्नेश धनेश के साथ आके बैठ गया, लाभेश के साथ, सॉरी धनेश लाभेश के साथ बैठ गया। लाभ भाव का, धन भाव का स्वामी और इनकम आपका धन और लाभ, धनेश और लाभेश होकर के वो लग्नेश साथ बैठ गया। वो अपने आप में एक बहुत अच्छा योग है, वहां पर इसने बुध आदित्य योग बनाया। साथियों, ये योग किसी नॉर्मल जातक की कुंडली में आपको दी जाए तो आप ये समझ लीजिए कि वो व्योक्ति अपने बाहुबल पे, अपने बल पे काफ़ी कुछ कमाने वाला है, बहुत ज़्यादा मान को अर्जित करने वाला है। साथियों, मैं आदित्यनाथ के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ लेकिन फिर भी इस कुंडली के बिहार पे जितना मैं कोशिश करूँगा जानने की वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिर लग्नेश का दशम भाव से संबंध होना, दशम भाव से हम क्या देखते हैं किसी भी जातक का, किसी भी व्यक्ति का कर्म का भाव होता है दशम भाव। लग्नेश दशमेश में दशम भाव में बैठ गया, यानी वो व्यक्ति अपना जीवन ज्यादातर सिर्फ काम करते करते ही बिताएगा, उस व्यक्ति को काम करने में ही आनंद आएगा। ऐसे लोग सिर्फ काम करने के लिए जीवित रहते हैं। अब अगर हम इनके बारे में देख ले, हम जैसे जानते हैं कि पूरे इस समय भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव के मुख्यमंत्री हैं तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही हैं। वो हमेशा काम में लगे रहते हैं। उस व्यक्ति को देखिए, पूजा अर्चना साधना करना, उसके बाद राज्य के लिए अपना समय निकालना और हर जगह पे भ्रमण करके देखना कि वहाँ पे क्या हालत है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे पैंडेमिक को में यूपी को संभाला है वो काबिल तारीफ है। वो सब कैसे आता है कि उस व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा है और अपने कर्म पर भरोसा है। वहाँ सूर्य और बुध साथ बैठे हैं। अब साथ ही यहाँ पे हम ये देखने वाली बात है कि सूर्य बुध शनि साथ बैठे हुए हैं, ये तीनों ही इसके यहाँ इस भाव में बैठते हैं तो अच्छा परिणाम देते हैं। सूर्य
सरकार, शनि आपके प्रजा, जो लोग जो नॉर्मल लोग काम करते हैं, जो आम जनता होती है वो शनि है। उसके बाद बुध, बुध विवेक, जो उनके अंदर जो बुद्धि है, वो सब तीनों चीजें एक साथ आके बैठी हुई हैं। इनको जनता का सपोर्ट भी मिलता है, सरकार का सपोर्ट भी मिलता है, बुद्धि बल तो इनके पास है ही। लाभेश और लाभेश और धनेश होकर के बुध वहाँ बैठा हुआ है, वो भी एक अच्छी पोजिशन है। उसने क्या किया है कि आपस में इंटरचेंज कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, शुक्र की राशि में बुध बैठ गया है और बुध की राशि में शुक्र बैठ गया है, दोनों एक दूसरे का फल दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति को, मुझे उम्मीद है अगर इस व्यक्ति को अगला टर्न मिलता है, जो कि इस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, यह व्यक्ति उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, और ये मुझे इस कुंडली से देख के लगता है। और साथियों आप देखिए कि पंचम भाव जो प्रारब्ध का भाव है, प्रारब्ध का भाव है, इससे आपके हम संतान को देखते हैं। साथियों कहा जाता है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठता है उस भाव संबंधित जो जीव सुख होता है उसकी हानि करता है। अब आप देखिए बृहस्पति यहाँ पे अपनी राशि में बैठा हुआ है, उच्च का होकर बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी इसने एक जीव सुख की हानि क्या की कि इस व्यक्ति की कोई भी संतान नहीं है। उस व्यक्ति ने कभी जीवन में शादी नहीं की, उसके लिए कई हद तक चंद्रमा भी जिम्मेदार है, और यहाँ पे शनि सूर्य से अस्त भी है, इसलिए इस व्यक्ति को शादी का सुख नहीं मिला। अब हम बात करते हैं गुरु की। साथियों अब यहाँ देखिए, गुरु पंचम भाव में गुरु का स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठ गया, कितनी बड़ा योग है ये। पंचमेश पंचम भाव में बैठ गया, बहुत इस व्यक्ति को अपना पुराने जन्मों से बहुत सारा भाग्य मिला है, जिसके वजह से गुरु की वजह से उसे काफ़ी कृपा मिली है। अब हम बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव से हम देखते हैं किसी व्यक्ति का रोग कर्जा, उस व्यक्ति के कितने शत्रु होंगे। अब साथियों मैंने आपको अपने पहले वीडियोज में कहे बताया है कि 6, 8, 12 इनमें अगर कोई पापी ग्रह बैठ जाते हैं तो वो इस भाव के लिए बड़ा अच्छा करते हैं। अब देखिए छठे भाव में राहु बैठे हुए हैं, जो कि राहु अगर छठे भाव में बैठे हैं तो एक शत्रुहंता नाम का एक योग बनाते हैं। इस व्यक्ति का जीवन में कोई शत्रु नहीं होगा, शत्रु होगा तो उसका ये दमन कर देगा। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा योग है। अगर किसी छठे आठवें बारहवें भाव में मंगल शनि राहु या केतु बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे आकर के इस व्यक्ति को सामने जो भी कोई खड़ा होगा उस व्यक्ति का समन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उसके सातवें भाव में। सातवें भाव में गुरु देखते हैं उसका चंद्रमा बैठा हुआ है, इसका इस सातवें भाव का स्वामी दसम भाव में जाकर अपने से चौथे भाव में जाकर के सूर्य से अस्त हो गया है, जो कि शत्रु के पास जाकर बैठा हुआ है, इसलिए इस व्यक्ति को शादी संबंधित सुख नहीं मिलने वाला। अब हम बात करते हैं बारहवें भाव की, आठवें भाव की। अष्टमेश पंचमेश गुरु पंचम भाव में बैठा हुआ है, इस व्यक्ति को कुछ गुप्त शक्तियों का, गुप्त विद्याओं का भी ज्ञान होने की मुझे बहुत संभावना लगती है, और शायद ये नाथ संप्रदाय की ये का जो ये गोरखनाथ का जो पीठ है उसकी देन है, उनको गुप्त शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। अब हम बात करते हैं कि नौमेश, आप देखिए नौमेश लाभ के भाव में बैठ गया, वो भी कहाँ बैठा है, इस भाव में जहाँ हम कहते हैं कि ग्यारहवें भाव में सारे ग्रह बैठ के बड़े अच्छे रहते हैं। आप देखिए कि इस व्यक्ति की कुंडली में कितने सारे योग है, इस व्यक्ति का अगर नॉर्मल कुंडली होती। अब हम मैंने आपको बताया था कि ये मैंने जो नंबर लिखे हुए हैं इस नंबर का कि क्या यूज है वो बताता हूँ आपको। इसके योगी आदित्यनाथ जी के कुंडली में जिस तरीके से अष्टक वर्ग के जो बिंदु मिले हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से संतुलित है। किसी भी कुंडली में 20 से कम सिर्फ एक इस भाव को छोड़ दें हम लोग तो सब में लगभग 24 के आसपास के ही बिंदु मिले हुए हैं, जो कि एक बहुत ही संतुलित कुंडली बनाता है। अगर हम बात करें इसकी तो इनको 20 पॉइंट मिले हुए हैं, इसमें 20 पॉइंट मिले हुए हैं इनके सप्तम भाव में, तो इनका जो वाइफ संबंधी जो इनको सुख है उसकी बहुत ज़्यादा उनको नहीं मिला हुआ है, इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि हाँ ये साथियों अष्टक वर्ग जो होता है किसी कुंडली को देखने में बहुत ज़्यादा योगदान करता है। हम सिर्फ अष्टक वर्ग के बिंदुओं को देख करके ही हम समझ सकते हैं कि हाँ उस व्यक्ति की कुंडली किस प्रकार होगी। जैसे हम यहाँ बात करें
तो इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा जो पॉइंट मिले हुए हैं अष्टक वर्ग में तीसरे भाव में मिले हुए हैं, तीसरे भाव में जो 33 पॉइंट मिले हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी के को अपने श्रम से अपने मेहनत पे उनको एक दिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पहुंचने वाले हैं। साथियों अगर मैं ये बोलूं कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ देश का कार्यभार भी संभालेंगे साथ अति सहयोगी नहीं होगी, क्योंकि इस कुंडली में इतना दम है कि व्यक्ति को अर्थ से यानी फर्श से अर्थ तक पहुँचा सकता है, जमीन से आसमान तक पहुँचा सकता है। और ये आने वाले जो सभी साल है मुझे उम्मीद है अभी केतु दशा इनकी चलेगी 2024 तक, केतु इनका 12वें भाव में बैठा हो। साथियों मैंने आपको कभी एक वीडियो में बताया भी था मैंने आपको कि अगर केतु 12वें भाव में बैठता है और तो इससे एक तरह के योग बनता है, ऐसे लोग कहा जाता है कि ये जिन लोगों के कुंडली में 12वें भाव में केतु बैठता है उन लोगों को इस संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। साथियों जब इनकी मृत्यु होगी भी तो मुझे उम्मीद है इसके बाद शायद इन्हें जन्म मरण के चक्र से इन्हें मुक्ति मिल जाए, क्योंकि केतु 12वें भाव बैठा है, ये मोक्ष का कारक है। अब साथियों हम इस कुंडली को और देखते हैं कि क्या इस कुंडली को देख के ये लगता है कि हाँ 2024 में या 2022 में जो भी यूपी के इलेक्शन वाले होने वाले हैं उसका क्या रिजल्ट होने वाला है। साथियों इस समय में केतु दशा चल रही है, केतु दशा चल रही है मतलब ये 12वें भाव की दशा चल रही है, 12वें भाव दशा चल रही है तो 12वें भाव ने अपने 7वें भाव दृष्टि से देखा 6ठे भाव को, 6ठे भाव में राहु बैठा हुआ है, राहु जो कि शत्रुहंता योग बना रहा है। इस समय 2022 में चुनाव होने वाले हैं, मैं 100% गारंटी से देता हूँ बोलता हूँ कि इस 2022 में चुनाव होने वाले जो चुनाव में योगी आदित्यनाथ CM बनेंगे, वो इस कुंडली से लगता है। साथियों अभी तक जो मेरे समय में आया उतना मैंने बताया आपको इस कुंडली के बारे में। साथियों इस तरह की कुंडली देख करके बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ इस तरह से कोई इंसान जो कि बहुत छोटे घर से निकला हुआ एक बहुत बड़े पोस्ट तक पहुंच सकता है। जैसे हम कभी अपने प्राइम मिनिस्टर की मैं अगली बार मोदी जी की कुंडली लगाऊंगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति कैसे इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, शायद एक दूसरा उदाहरण ही होगा। और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद जो देश की भागदौड़ हो सकती है उन्हीं को मिले, लेकिन उसके बारे में भी मैं बात कभी जब हम अगली वीडियो में बात करेंगे तब मैं बात करूँगा कि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। साथियों अभी तक मेरे हिसाब से जो योगी आदित्यनाथ के बारे में था मैंने बता दिया आपको, और कोई प्रश्न हो कुछ जानना हो तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की उस समस्या का उस जो आपका जो कन्फ्यूजन होगा उसका मैं निवारण कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, धन्यवाद।